रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज टी20 टूर्नामेंट के पहले सेमीफाइनल मैच में इंडिया लीजेंड्स ने वेस्टइंडीज लीजेंड्स के खिलाफ पहली बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 3 विकेट पर 218 रन बनाए। टीम इंडिया को इस बड़े स्कोर तक पहुंचाने में हर बल्लेबाज की अहम भूमिका रही, लेकिन कप्तान व टीम के ओपनर बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर और मध्य क्रम के बल्लेबाज युवराज सिंह ने सबसे दमदार पारी खेली। सचिन व युवराज की इस पारी के दम पर इंडिया लीजेंड्स ने वेस्टइंडीज लीजेंड्स को 12 रन से हरा दिया और रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज टी20 टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई। वेस्टइंडीज की टीम भारत के 2018 रन के जवाब में 20 ओवर में 6 पर 206 रन ही बना पाई और फाइनल की होड़ से बाहर हो गई। वेस्टइंडीज के खिलाफ इंडिया की शुरुआत काफी अच्छी रही और सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग ने टीम को शानदार शुरुआत दी। इन दिनों के बीच पहले विकेट के लिए 56 रन की मजबूत साझेदारी हुई और इसके बाद सहवाग 35 रन पर आउट हो गए। सहवाग ने 17 गेंदों पर 1 छक्के 5 चौकों की मदद से 35 रन की पारी खेली। इसके बाद सचिन ने मोहम्मद कैफ के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 53 रन की साझेदारी की और फिर कैफ भी 21 गेंदों पर 2 छक्के व 2 चौकों की मदद से 27 रन बनाकर आउट हो गए। वेस्टइंडीज की टीम को इंडिया ने जीत के लिए 219 रन का लक्ष्य दिया था, लेकिन यह टीम इस स्कोर तक नहीं पहुंच पाई। इसी तरह की खेल से जुड़ी अपडेट देखने के लिए आप देखते रहिए डेली न्यूज़ और डेली न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए।